सिंगर नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। नाजिया हसन के गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं और मद्दाहों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया ने अपने अनोखे अंदाज से पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में बहुत जल्द अपनी जगह बना ली। नाजिया हसन ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में पीटीवी पर नशर होने वाले एक बच्चों के प्रोग्राम कलियों की माला से की, जहां उन्होंने अपना पहला गाना दोस्ती ऐसा नाता गाया था। 1980 में नाजिया हसन सिर्फ 15 बरस की उम्र में उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं, जब उन्होंने भारत के मारूफ फिल्म साज फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए गाया। नाजिया हसन ने पीटीवी पर मुतवादित प्रोग्राम और टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया। नाजिया हसन ने अपने भाई जुहेब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में एक नई जहत रोशनास कराई। नाजिया हसन के बेहतरीन गानों में दोस्ती, डिस्को दीवाने, आंखें मिलाने वाले, बूम बूम और दिल की लगी शामिल हैं। ये गाने आज भी उनके मदाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। नाजिया हसन गुलगारा होने के साथ साथ एक सियासी तजियाकार भी थी, जो 1991 में पाकिस्तान की सकाफती सफीर बनी। नाजिया हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड, 15 गोल्ड डिस्क समेत मुतवादिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नाजिया हसन कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद 13 अगस्त 2000 को इस दुनिया से रुखसत हो गयी और अपने पीछे पाकिस्तानी पॉप गानों की विरासत को छोड़ गयी। आज भी नाजिया हसन के गीत उनके लाखों शायकीन को बेहद पसंद है। खबरें रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा